Next point here. जो प्लैनेट एक दूसरे के साथ बैठे होते एक ही घर बैठे हैं other, that, that yeah, means, आगा गुरु और जिसका नीचे होगा, होगा, होगा वो पीछे होगा पीछे वाले पे आगे वाले का बहुत स्ट्रॉन्ग इंफ्लुस होगा say, degree, गुरु इज अ टेन डिग्री सेम हाउस सेम राशि बेसिकली ठीक क्योंकि बिग्रंथी राशि से चलता है हाउसेस को नहीं लेता बट हम फिर भी जगह जगह, जगह पे लेंगे हाउसेस इंपॉर्टेंट होते हैं अब सूर्य जो है गुरु की तरफ बढ़ रहा है मूविंग towards गुरु मूविंग towards गुरु when सूर्य मूविंग towards गुरु वो उसकी क्षमताओं को पकड़ रहा है तो सूर्य के अंदर पूरा गुरु का इंफ्लुएंस है सूर्य में पूरा गुरु का इन्फ्लुएंस है और एट द अदर साइड गुरु पहले ही आ गया गुरु कहता मेरे पास तो ऑलरेडी सूर्य अवेलेबल है मैं तो अपने सूर्य को लेके अपने से आगे बढ़ूंगा बिकॉज आई ऑलरेडी क्रॉस सूर्य सो दिस अ थिन मार्जिन गुरु विल गिव मोर रिजल्ट्स लाइक सूर्य वेर एज सॉरी आई रिपीट द गुरु विल मोर रिजल्ट ऑफ हिमसेल्फ फैक्ट ऑफ लीडरशिपीडरिंग सूर्य का इफेक्ट जबकि सूर्य जो है बहुत ज्यादा रिजल्ट गुरु, गुरु, गुरु की तरफ देगा क्योंकि आप समझ सके तो ठीक है नहीं तो आगे देखेंगे इसको फॉर एग्जाम्पल गुरु और बुद्ध इकट्ठे हैं तो सबसे पहले तो एक बात सिंपल सी आएगी दिमाग में कि जातक के साथ बुद्ध बैठा है यानी कि जातक की इंटेलिजेंस पावर राइटिंग पावर स्पीच पावर बढ़िया होगी सिंपल सी बात है ना ये तो ये ले चुका हूं रविंदर जी जातक विल बी गुड स्पीकर जातक इज अ गुड एंड गुड राइटर जातक इज अ वेरी पर्सन बिकॉज बुद्ध एंड गुरु आर सिटिंग टुगेदर अब उसमें कौन आगे कौन पीछे है ये डिग्री से थोड़ा पता चलेगा इसको हम आगे करेंगे अगर नहीं अभी का लिए हुआ तो इसको ड्रॉप करके आगे बढ़े अभी दो समझते हैं दो बारह का रोल क्या है दो बारह का रोल ये है कि प्लैनेट के आगे भी प्लैनेट प्लैनेट के पीछे भी प्लैनेट वो दो बारह है जिन्होंने वैदिक पढ़ा उन्होंने पढ़ा होगा कि चंद्रमा और सूर्य के दो बारह से योग बनते हैं वैदिक में बनते हैं करेक्ट वैदिक में चंद्रमा के आगे पीछे हो, तो हो तो योग बनता है सूर्य के आगे पीछे हो तो योग बनता है विघ्नती में विघन कहती है कि हर प्लैनेट के आगे पीछे प्लैनेट होने से प्लैनेट के अंदर मजबूती आती है प्लैनेट में मजबूती आती है फॉर एग्जाम्पल सूर्य और गुरु सूर्य और गुरु अगर सूर्य पीछे बैठा गुरु आगे बैठा है तो जा तक ऑलरेडी सूर्य को क्रॉस करके आया है लेट अस अज्यूम सूर्य चार नंबर में बैठा है और गुरु पांच नंबर में बैठा है राशि की बात हो रही है घर की बात नहीं हो रही क्या तो सूर्य जब चार नंबर में बैठा है गुरु पांच नंबर में बैठा है तो गुरु तो चार नंबर क्रॉस करके आया कि सूर्य को पार करके आया है जातक के पास नेम फेम गवर्नमेंट अथॉरिटी पोजीशन स्पोर्ट बेटर होगी क्योंकि ऑलरेडी सूर्य पा के आया है इसको उल्टा कर दो सूर्य को पांच में ले आओ गुरु को चार में ले जाओ द मूमेंट यू टेक गुरु इन फोर्थ जातक सूर्य की तरफ बढ़ रहा है उसकी लालसा है सूर्य को पकड़ने की यानी कि ही इज इंस्पायर्ड टू गेट पावर पावर नहीं है बट ही ट्राइंग हार्ड टू गेट पावर पहले वाले केस है पहले लेके आया उसको आनंद ले रहा उसका दूसरे वाले केस में ट्राइंग हार्ड टू गेट पावर वेरी थिन मार्जिन ठीक एक एग्जांपल ले लेते हैं चंद्रमा और गुरु का ले लेते हैं of गुरु, गुरु जो खुद है, दी नाड़ी। तो गुरु के साथ जितना अपने चंद्रमा माता का ट्रैवल चेंज का ट्रैवल माता का कारक चेंज का कारक ट्रैवल का कारक ये सब अपने को सब कुछ पता है ठीक है तो इन कारक में नहीं आते सीधी बात करते हैं चंद्रमा पीछे बैठे हैं और गुरु, गुरु आगे है चंद्रमा चार नंबर बैठे गुरुदेव पांच नंबर बैठे चंद्रमा गुरुदेव जब आगे बैठे तो चंद्रमा के कारक को लेके बैठे यानी कि चंद्र वो व्यक्ति वो जातक माता लविंग होगा पहले से ही घूमने का शौकीन होगा चेंज का शौकीन होगा एंड वेरी कॉलियर रिलेटिव रिलेशनशिप विद हिज मदर और हर मदर और अपने जन्म के बाद क्योंकि घूमने का शौकीन होगा अपने जन्म के बाद किसी दूसरी जगह पे जाके सेटल होगा या दूसरी जगह पे जाके रहेगा क्योंकि चंद्रमा तो पहले लेके बैठा है ना वो साथ उल्टा कर देते हैं चार में चार में करते हैं गुरु पांच में करते हैं चंद्रमा नाउ गुरु इज इंस्पायर्ड टुवर्ड्स मदर अपनी मां को फॉलो करेगा अपनी मदर को फॉलो करेगा बोलता न माँ का बेटा बिकम मदर्स मतलब क्या क्या बोलते हैं क्या शब्द होगा इसका माँ का बेटा ही बोलते हैं मदर्स मॉम्स मम्मा मम्मा बोए दीपिका जी अनुभव कर रही है लगता है इसलिए बोली ये फटाफट मम्मा बॉय तो वो क्वालिटी उसमें आएगी दोनों में डिफरेंस है दोनों दो बारह हैं। आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्लियर द टू ट्वेल्व आगे पीछे का रिलेशनशिप और जिस ग्रह के दोनों साइड कोई प्लेनेट है बारह पीछे भी आगे भी वो ग्रह अपने में पीछे बैठ के मजबूत है वो कहता पीछे वाले के मैं लेके आया आगे वाले की तरफ जा रहा हूं मजा आ गया अब यहाँ पे गेम क्या चीज होती है गेम चेंजर देखो यहाँ पे गेम चेंजर है रिलेशनशिप कि गहराओं के आपस में रिलेशनशिप कैसे ये गेम चेंजर है अगर सारे दोस्त इकट्ठे हो गए ना तो बल्ले बल्ले हो गई अगर दोस्त एक है मतलब दुश्मन ज्यादा है तो मुश्किल हो जाएगी तो गहरा बेचारा पिस गया यही योग है विग्न के यही विघी के योग है